नमस्कार, मैं हूं शैलेश शुक्ला और आप देख रहे हैं NovaraTimes.com। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा हथियार जो महाभारत काल में कहा जाता था जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। कुछ इसी तरीके का हथियार अब दुनिया की तीन महाशक्तियां बनाने में जुट गई हैं। ये देश हैं रूस, अमेरिका और चीन। रूस ने तो यह हथियार बना भी लिया है। इस हथियार का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की 20 गुना रफ्तार से आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य को पलक झपकते ही मार गिराती है। इस मिसाइल के बनाने के बाद अब रूस दुनिया में मिसाइलों के मामले में सबसे आगे पहुंच गया है। आइए जानते हैं क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल और क्यों ये दुनिया के लिए सबसे खतरनाक हथियार है। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की करीब 20 गुना रफ्तार से चलती है और दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में यह पकड़ में नहीं आती है। एयर डिफेंस सिस्टम जब तक इसे ट्रैक करते हैं तब तक यह मिसाइल अपने लक्ष्य को बर्बाद कर चुकी होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन से चलती है। स्क्रैमजेट इंजन के अंदर हाइड्रोजन भरा होता है और यह मिसाइल हवा से ऑक्सीजन लेकर के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उससे किसी भी डिफेंस सिस्टम से पकड़ा नहीं जाता और हवा में ही इसे इसके रास्ते को बदला जा सकता है। यह इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत होती है। परंपरागत मिसाइलें रैमजेट इंजन से चलती हैं जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भरा होता है। इसकी वजह से परंपरागत मिसाइलें काफ़ी हैवी होती हैं और उनकी स्पीड धीमी हो जाती है। यह चीज़ें हाइपरसोनिक की मिसाइलों के साथ नहीं हैं। इन मिसाइलों को सुपरसोनिक स्पीड देने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है अंतरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, इन्हें कहा जाता है ICBM। ICBM के ऊपर इन मिसाइलों को लगा दिया जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ग्लाइड की तरह होती हैं और जब ICBM ऊंचाई पर पहुंचती है तो इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागा जाता है। ये मिसाइलें लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं और उसे बर्बाद कर देती हैं। इन मिसाइलों को लॉन्च करने का दूसरा तरीका है बमोर्सक विमान। बमोर्सक विमानों में क्रूज मिसाइलों की तरह इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को फिट किया जाता है और जब ये विमान खास ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दी जा रही है। ये मिसाइलें इसलिए ब्रह्मास्त्र कही जा रही हैं क्योंकि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता है और अगर मिसाइल डिफेंस इसे पकड़ नहीं पाता है तो इन्हें बर्बाद करना भी संभव नहीं है। इसी वजह से पूरी दुनिया अब इन मिसाइलों को बनाने में लग गई है। अगर बात की जाए भारत की तो भारत के पास एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो सबसे तेज है, लेकिन भारत के पास अभी भी ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल कही जा सके। हमारा पड़ोसी देश चीन, जो कि हमारा दुश्मन भी है, वो हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज़ी से बना रहा है। भारत के लिए बहुत खतरनाक है। अगर भारत ने समय रहते इन मिसाइलों का निर्माण नहीं किया तो आने वाले समय में भारत को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।